हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस वाले मॉडल को बनाने वाले हैं सॉल्ड वर्क्स के अंदर। और सॉल्ड वर्क्स में मैं पहले सरफेस यूज़ करूँगा और बाद में इसको थिकनेस अप्लाई करके बाकी इसको शीट में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये मेन व्यू यही है, फ्रंट का व्यू आप समझ लीजिए इसको, और सेक्शन ए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है और साइड व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है, और डिटेल व्यू इसकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो मैंने तीनों प्लेन को यहाँ पे शो करा लिया है, और इसके लिए व्यू बेसिकली ये वाला नहीं बना रहा हूँ मैं। व्यू जो बनाऊँगा मेरे को ये वाला बनाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर करते हैं स्केच, और यहाँ पे जाके लाइन ले लेते हैं। और लाइन लेके मैंने बनाया इस तरीके से, थोड़ा सा इधर जाना है और फिर ये ऊपर जाना है। आप इसकी डायमेंशन कर लेते हैं, और डायमेंशन कितना है इसका, यहाँ से 11, यहाँ से ये पॉइंट है 11, 11 के बाद ये वाला हमें मिलेगा 21, और फिर छोटा करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे ये 23 दिया हुआ है ये, और ये वाला ये है 23, और टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 81। हम पूरा नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ तक बना रहे हैं, इसके सेंटर तक बना रहा हूँ मैं इसको। और इसके बाद एक ये दूरी बचती है, तो ये दूरी कितनी है यहाँ से सेंटर, मैंने इसको माना, तो यहाँ से यहाँ तक का 9 का रेडियस, तो 9 की ये लाइन हो जाएगी जो कि हम बना रहे हैं अभी। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ से ये, और ये पॉइंट इसको 9 ले लेते हैं, और अब देखते हैं इसमें क्या रह गया है। ऊपर नीचे ड्रैग हो रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक 28 की लेंथ है ये ऊपर वाली, ये 28, और यहाँ पे फिलेट है, एक फिलेट एक है 7 का, और इधर वाला है 17.5 का। तो इसको और इसको, ओके, और इसको भी लेके इसको डबल क्लिक किया, ये तो है हमारा 7, और ये वाला है 17.5, राइट, क्लोज, ये हमारा सेक्शन हो गया। अब हमें चाहिए एक और प्लेन, तो यहाँ से फीचर में जाते हैं और यहाँ से लिया एक प्लेन। ये जो प्लेन है ये जाना चाहिए यहाँ तक, नहीं सॉरी ये गलत सेलेक्ट हो गया, कैंसिल करिए। ये जो प्लेन है ये वाला इस पॉइंट तक आना चाहिए, ओके, और इस पे जाके करेंगे स्केच। और यहाँ पे मैंने लिया एक सर्कल, और सर्कल मैच होना चाहिए इस पॉइंट से, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, और क्लिक करते हैं इसे। ये वाला है डायमीटर हो जाएगा 27 का 55, और इसे नॉर्मल कर देते हैं, और यहाँ से सेंटर लाइन ले लीजिए, राइट। अभी इसे ट्रिम ले लेते हैं, और ट्रिम में मैंने इसे कट कर दिया, इसे भी कट कर दिया, तो ये पूरा जा रहा है, तो इधर से मुझे चाहिए होगा ताकि ये कट ना हो, राइट, एग्जिट करते हैं। ये हमारा एक गाइड तो बन गया इस तरीके से है गाइड ये। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको बनाने के लिए एक प्लेन लेंगे, ये जो प्लेन है यहाँ पे टच करना चाहिए, ओके, और इस वाले प्लेन पे ही स्केच करेंगे। और ये है कहाँ पे, एक बार देखना पड़ेगा हमें, इधर तो इधर से लेते हैं। और यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये बनाना है हमें, और उधर करिए इसे, यहाँ
यहाँ से लेते हैं सर्कल, इसे मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैच हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट पियर्स तो नहीं करना है, ये नहीं आ रहा, नॉर्मल करते हैं। ये नॉर्मल व्यू हो गया और कर्व है यहाँ पे, इसे पिक नहीं करना, एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ से इधर ले लेते हैं, मैच हो गया। और इसको आप इस तरीके से रखते हैं और ये जो लाइन लिया है इसी लाइन पे मैं एक और लाइन बनाता हूँ, ये लाइन हो गई और यहाँ से आप ले लीजिए ट्रिम, ये नीचे का नहीं चाहिए, और जूम करते हैं, इन पॉइंटों को कर देते हैं कॉन्सिडेंट, यहाँ से रेडियस, ये रेडियस यहाँ पे है 4 का रेडियस है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 8 का रेडियस यहाँ पे है, तो फिलेट ले लीजिए इसके और इसके बीच में। ओके सॉरी, इसको कर देते हैं हम 8 और लेंथ ये है 27.5, अब देखिए इसमें क्या चीज़ रहती है जो ये ब्लैक नहीं हुआ, ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये इस पॉइंट से भी मैच ही नहीं हुआ है। दोनों को पियर्स करा दिया अब अगर प्लेन, अगर आप हाइड करना चाहें यहाँ से हाइड हो जाएंगे प्लेन, और यहाँ से मैं लेता हूँ बाउंडिंग बॉस, पर ये सॉलिड में लिया है, मुझे सरफेस लेना पड़ेगा, सरफेस में जाएंगे और मेरे पास, तो हम यहाँ से सरफेस से ले लेते हैं स्वेप्ट सरफेस, तो ये एक मेरा हो गया, और गाइड के लिए मैं सिलेक्शन मैनेजर से जाता हूँ, ओके और इसको थिकनेस देनी है, तो थिकन आपको सरफेस में मिलेगी, यहाँ पे हमें चाहिए थिकनेस, तो इसे यहाँ से मैं जाता हूँ, ये रहा थिकन, सिलेक्ट करिए थिकनेस से 2 और ओके, थिकनेस ही आ गया और प्लेन को शो करा देते हैं, इसको मिरर करना है और उसका एक सेक्शन बनाना है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसको मिरर कर देता हूँ मैं, तो वापस इधर आ जाइए और यहाँ से हम ले जाए मिरर, और मिरर है हमारे पास ये बॉडी मिरर प्लेन, ये इस फेस को और ओके, मिरर हो गया, एक यहाँ पे होल भी है तो इस पे जाके स्केच करते हैं और एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, और सर्कल है ये 8 पॉइंट, 8.5 का, और इसको आप कर दीजिए एक्सट्रूड कट, ओके। अब हमें यहाँ पे चाहिए ये जो प्लेन है, ये मेरा वर्किंग प्लेन हो जाएगा, और इसको कर देते हैं स्केच, यहाँ पे आ गए स्केच के लिए, और यहाँ से आ जाते हैं व्यू को लेके,
अब प्लेन को चाहें तो आप हाइड कर दीजिए फॉर द टाइमिंग, और सर्कल लेते हैं इधर, यहाँ पे कहीं बनाना है तो मैंने एक सर्कल लिया एक, और इसकी डायमेंशन ले लीजिए, ये सर्किल 9 का 18 हो जाएगा। और फिर लाइन ले लेते हैं, यहाँ से हल्का सा लाइन ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से ये कुछ इधर टच करेगा इधर वाले पे, तो मैं चलिए अभी छोड़ देता हूँ। पहले यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी ले लेते हैं, और ये वाला जो कर्व है और ये कर्व है, दोनों को मैंने ले लिया। अब लाइन लेते हैं ये इसके साथ, और दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और टेंजेंट अभी प्रॉपरली आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी जब डायमेंशन कर देंगे तो ये ठीक आ जाएगा। लाइन यहाँ से लाइन ऊपर लीजिए और इधर से मैच कर देते हैं। आप डायमेंशन ले लीजिए, डायमेंशन कौन सी डायमेंशन दी हुई है, ये 11 दिया हुआ है, जब 11 करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया। और ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये 0 नीचे मैच होना चाहिए, मैच हो गया। और इधर की तरफ ये 18 तुम्हारा ठीक आ रहा है, यहाँ से ये हमें चाहिए, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये वाला 9 प्लस 3 12, ये सिर्फ हमें 12 चाहिए, राइट। और कर देते हैं इसको ट्रिम, ये यहाँ से नहीं चाहिए, कट गया। और इसके बीच में फिलेट चाहिए, फिलेट चाहिए 3 का 3, इसके और इसके बीच में नहीं ले रहा। सर्कल ले लेते हैं, सर्कल लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और सर्कल और लाइन टेंजेंट, इसको भी टेंजेंट, और डायमेंशन 6 का डाया, और यहाँ पे आ जाते हैं ट्रिम, ये हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और क्लिक, ये डायमेंशन आप डिलीट कर दीजिए, अब ये अपने आप आ गई है। और ये जो लाइन है इसे रेफरेंस में, और एक सर्कल और चाहिए, यहाँ पे क्लिक करें, और ये सर्कल है हमारा 8.5, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ऊपर वाला आ गया है, ये मैच नहीं हो रहा है, बस इतनी सी बात है। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, क्लोज। अब यहाँ से फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे, टू एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे 2 का थिकनेस है, रिवर्स साइड, ओके ओके। एक 20 का रेडियस यहाँ पे रह गया है, तो स्केच में फिलेट ये 20, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसे करते हैं फिनिश, और इसको कहते हैं मिरर। और ये प्लेन नहीं है, ये फीचर ये वाला है, प्लेन मिडिल प्लेन मुझे चाहिए, तो फेस तो चला गया, तो मिडिल प्लेन के लिए क्या करेंगे, एक नया प्लेन ले लेते हैं, यहाँ से ये है 27.5 रिवर्स डायरेक्शन, ओके। और मिरर, मिरर के लिए प्लेन है हमारा ये वाला, और फीचर है ये, ओके। और इन सबको हाइड कर दीजिए, ये हमारा मॉडल बन गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉल्वर्क्स की ट्रेनिंग के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।